क्रंच कितने ज्यादा पड़े हुए हैं यार। अब्बू की यार खुशी इतनी थी कलसुम में, कलसुम ने ऐसा टाइम एक्सपायरी बना ली। आंटी जी आपको पता है आज गुड न्यूज है, एक दफा कुरान जी खत्म किया, आप मुझे पार्टी दे रही है ना, ईद तो परसों है ना, नहीं मुझे आज चाहिए आइसक्रीम खानी है। वही चीज है, वही गला, वही बात। ये डिजाइन बनवाया आप इत्तेकाफ पे नहीं बैठे? इत्तेकाफ वाले आज आप आ गए ये देखिए, वो सूट सिल गया है। आंटी बोलो मुबारक हो, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको चांद रात को सूट मिलता है, बल्कि चांद रात से भी एक दिन पहले। कमीशन शुरू हो गया, अभी इसने क्या करना है, पूरी दुकान की रेसें खुलवा देनी है। कितनी खुलवाई है, 10-15 खुलवा दी है ना? ये ठीक है, मैच तो व्हाइट तो मेरे ख्याल में मेरे पास होगा भी, व्हाइट या सिल्वर लगा लो। हमारा नंबर है 77, नीचे व्हाइट है ना इसका कैप्री, तो सिल्वर है, देखो मैच हो रहा है, गोल्डन भी हो जाएगा ना, गोल्डन भी है, गोल्डन से ज्यादा भी अच्छा लग रहा है। एक ये लगा लेते हैं बेटा, ये इसमें भी है, ये भी है, इसमें भी है। 4 घंटे बाद 2000 घंटे लेटर ये देखिए आज कितना ज्यादा रश है ना, और हमें आज थोड़ी सी होश आई है, मुझे ना जिंदा लाश बनी हुई हूँ, अजीब सब, जल्दी से रोजे खत्म हो जाए, बहुत अजीब सा हो रहा है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा है। खुशी इतनी थी कलसुम में, कलसुम ने ऐसा टाइम एक्सपायरी बना ली। तो आपने पूरा रमजान देखा ना, हम लोगों ने इफ्तार कहाँ किए, किचन में खड़े होंगे। चले मैं आपको शरीर से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, खाना बन गया, रोटियां भी बन गई हैं, सब कुछ बन गए।
सुबह ईद है, ईद मुबारक सबको। मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक पे मैंने वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे डालना भूल गया था क्योंकि मैंने आपके सामने वो चैलेंज दिया था, तो मैं आपको बताना फर्स्ट था मेरे लिए। कल रफ्तार होता था, फर्स्ट था वाजिब था या फिर तो मैंने देखे ना अच्छा काम किया रोजा में मैंने। क्या कहते हैं कि जिनको नाम जितनी पढ़ा, लेकिन पढ़ा था मैंने वो इस तरह नहीं पढ़ा था ना कि पहले से लेकर आखिर तक बीच में कोई आयत कोई रुकू ना छोड़ा हो, तो इस तरह नहीं पढ़ा था। तो मैंने इस तरह पढ़ा था कि पहले 10 पढ़ लिए, कभी कभी दरमियान से पढ़ लिए, कभी एंड से पढ़ लिए। एक दफ़ा गया था 22वें पारे तक, 2021 में गया था मैं 12वें पारे तक। उससे आगे वाले फिर ये होता था कि ख़त्म पे बुलवाते थे ना हमें, मोहल्ले वाले क्या है हमारे घर कुरान जी पढ़ने हैं, तो कारी साहब के साथ हम लोग सारे जाते थे मस्जिद वाले बच्चे। तो बीच बीच में से कभी कोई एक सुपारे का एक सफ़ा पढ़ लिया और बाकी पे लाई लाए बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे, ये हरकतें करते थे। लेकिन पढ़ना आता था, स्पीड कम थी, स्पीड स्लो थी, तो मैंने वो पूरा कर लिया। तो अभी सुबह ईद है, ईद का सामान भी लेने जाना है, ईद का मेन्यू भी। कसम क्या बनाना सुबह ईद में, जो हमेशा हमारे घर में बचपन में खीर बनती है जो कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बाकी फिर अड़ोस पड़ोस से भी काफ़ी कुछ आ जाता है तो हमें इतना कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। दो तीन लोग हैं हम लोग, क्या बनाना है। बिरयानी तो लंच पे बनती है ना सुबह के लिए, खीर मीठा सब कुछ बनता है लंच के लिए। बड़ा गोश्त ज़्यादा पसंद है मटन की, उसको मटन इतना मजे का नहीं बनता। बीफ अच्छा होता है, बीफ बनेगा और बिरयानी बनेगी और आपको दिखा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं शाम को। ज़िंदगी में कोई चांद रात ऐसी नहीं गुजरी कि हम लोगों को आखिरी वक्त में बदलना जाना पड़े। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा एक दो चीज़ें फिर पैक की हैं क्योंकि अब्बू हमारे आ जाए हैं और अब्बू की शॉपिंग रहती है। तो अभी हम लोग अब्बू की चीज़ें खरीदते हैं, मैं अकेला जा रहा हूँ। अब्बू के सूट का साइज सब मुझे पता है, शूज़ का पता है, बस लेके फुलना है। डन किया है, प्यारा ना। घूमने के बाद हमें ये मिला है फाइनली, ये इको ब्रांड का बनी कौन सा ब्रांड सिटी से।
भाई के ना ये कैरीफ्री बंद हो रहा है और ये आखिरी टाइम में जो चीज़ें मिल रही हैं ये देखें। और ये गोश्त वाला भाई बड़ा अच्छा है, इसने मुझे अभी भी गोश्त दे दिया क्योंकि वो कह रहा था कि नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आज रात आखिरी है, सुबह मुझे मार्केट से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी है, गोश्त शॉर्ट है वैसे भी हमारी मार्केट में, तो मुझे अभी मिल गया है फाइनली। अभी मेरी शॉपिंग भी ऑलमोस्ट डन है, अबू की चीज़ें सारी हो गई हैं, ग्रॉसरी हो गई है, अब हम घर जाएँगे, मिलते हैं फिर, अगर देखता हूँ कोई और चीज़ चाहिए तो मैं वो भी ले लेता हूँ। बंद हो चुका है, फिर नहीं तुमने कहना मुझे कि तुम गए नहीं, ये यहाँ पे कोई चांस नहीं है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बंद हो चुका है, इसके बाद आगे लीजिएगा, लिहाजा अभी आपको कैश मिल जाएगी, इसके बाद ले लीजिएगा। पर कोई एक घंटा मुझे वेट करना पड़ा तब जाके मुझे कैब मिली है, कैब बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और मॉल देखें सारा बंद हो चुका है और मैं इधर सिक्योरिटी वाले अंकल के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई पता नहीं होता कब शॉपिंग हो जाए आपकी, इधर से आए हैं शॉपिंग। कराची और इस्लामाबाद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा है, वहाँ पर यह कि स्ट्रीट क्राइम थोड़ा 80% है, यहाँ पर आप कह लें कि 50% है, काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम, जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बस गाड़ी आ रही है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे लगता है आ गया वो, आ गया मेरी कैब आई। अब वह जो है घर में से नहीं उधर घर में शोर शराबा नहीं कर सकते।